लोकप्रिय मुख्यमंत्री उतना सोबर, उतना सरल, इतने बेहतर बात विचार वाले नेता शायद ही कहीं मिलेंगे पूरे देश में हेमंत सोरेन जी की तरह। जब खबर होगा, जब जरूरत पड़ेगी, दो घंटे में वहां से। यहाँ ये भारतीय जनता पार्टी के का एक आरोप है झारखंड मुक्ति मोर्चा पे कि चंपई सोरेन जो है वो अगले मनमोहन सिंह है हेमंत सोरेन परिवार के, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? मनमोहन सिंह की बराबरी करने वाला कोई है क्या? उनकी पैर की धूली के समान। कोटवार जेल में जो है कल रात हेमंत सोरेन थे, क्या पार्टी के कोई पदाधिकारी या फिर सोरेन परिवार से कोई व्यक्ति गए, उनसे मुलाकात हुई? नमस्कार, इस वक्त आप द फोर्थ पिलर देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ आकाश, और इस तस्वीर में एक और शख्स है, मनोज पांडे हमारे साथ हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जाने माने प्रवक्ता भी हैं, कई बार अपनी पार्टी की बात जो है वो पब्लिक फोरम पे रखते हैं। ये एक बात समझ से परे है कि आखिर ऐसी क्या व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था जो है वो सामने आ गई कि आपकी सरकार बनी, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बाकायदा शपथ ग्रहण समारोह में गए, शपथ ले लिया है मुख्यमंत्री का, इसके बावजूद आपने अपने तमाम विधायकों को रांची रखने के बजाय आपने हैदराबाद शिफ्ट कर दिया। तानाशाही की सरकार, यदि अमीन की सरकार देखनी है तो दिल्ली चले जाइए जी। बहुमत की सरकार बहुमत के अहंकार में कैसे कैसे फैसले लेती है, अपने राजनीतिक विरोधियों को परास्त करने में हर हथकंडे का इस्तेमाल करती है जी। दूसरी तरफ आप देखें प्रचंड बहुमत की सरकार, लेकिन लोकप्रिय मुख्यमंत्री उतना सोबर, उतना सरल, इतने बेहतर बात विचार वाले नेता शायद ही कहीं मिलेंगे पूरे देश में हेमंत सोरेन जी की तरह। तो अपना अपना सोच है, जिसकी जैसी सोच वैसी सरकार बनाते हैं। प्रचंड बहुमत है, लेकिन उसका अहंकार नहीं होना चाहिए। तानाशाही ताकतों से लड़ाई हो, ऐसी ताकतों से लड़ाई हो जो राजनीतिक विद्वेष को देखते हुए किसी भी हद तक जा सकती है, जो सरकार उससे लड़ना हो तो कुछ रणनीतियां बनानी पड़ती है, और उस रणनीति के तहत ही आप जो देख रहे हैं वो कार्रवाई हो रही है। तो तमाम जितने विधायक हैं, लगभग 37 विधायक हैं जो अभी हैदराबाद के लिए रवाना हो रहे हैं, उन तमाम विधायकों के आने को लेकर अब कितना क्या कुछ? जब खबर होगा, जब जरूरत पड़ेगी, दो घंटे में वहां से। यहाँ ये भारतीय जनता पार्टी के का एक आरोप है झारखंड मुक्ति मोर्चा पे कि चंपई सोरेन जो है वो अगले मनमोहन सिंह है हेमंत सोरेन परिवार के, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, जहां तक पपेट और कठपुतली की बात होती है जी, तो भाजपा से ज्यादा पपेट आपको देखने को नहीं मिलेगा जी। आज पूरे भाजपा में दो व्यक्ति पूरी पार्टी चला रहा है जी। उनके अध्यक्ष कैसे चुने जाते हैं, मंत्री कैसे चुने जाते हैं, वो किसी से छुपा नहीं है, न कोई इलेक्शन होता है न कुछ होता है, जो लोगों ने बोल दिया। तो आज जो उनके अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनसे बड़ा पपेट कोई हो सकता? वो दूसरों पर उंगली उठाते हैं। मनमोहन सिंह की बराबरी करने वाला कोई है क्या? उनकी पैर की धूली के समान जो विद्वता उनमें थी और जिस बेहतरी से उन्होंने शासन चलाया, और उंगली उठाते हैं मनमोहन सिंह पर। तो खैर, उनके मानसिक स्तर के आसपास भी उनके कोई नेता नहीं है, और अज्ञानी लोगों से इस तरह की बात की ही उम्मीद की जाती है। कोटवार जेल में जो है कल रात हेमंत सोरेन थे, क्या पार्टी के कोई पदाधिकारी या फिर सोरेन परिवार से कोई व्यक्ति गए, उनसे मुलाकात हुई, और कैसी रही उनकी? नहीं, कोई मुलाकात नहीं हुई है। जेल मैनुअल के तहत ही, जेल मैनुअल के तहत अगर किसी को परमिशन मिलेगा तो उनके परिवार के लोग जाएंगे, मिलेंगे, इससे ज्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, हमारे साथ इस वक्त मनोज पांडे थे, और जिन्होंने साफ तौर पर कहा कठपुतली के सवाल पर उनकी जो उनका जो जवाब था वो सुनने लायक है कि जो जो बार बार कहा जा रहा है कि जो चंपई सोरेन है वो सोरेन परिवार के मनमोहन सिंह, अगले मनमोहन सिंह है, इस पर पार्टी प्रवक्ता मनोज पांडे ने क्या कुछ कहा है ये आपने सुन लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करें। बाकी आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर, मैं हूं आपके साथ आकाश, और कैमरे के पीछे हैं अभिषेक। शुक्रिया।